तोहन लोगन के बहन बहुत भाग्यशाली भिया, जकरा के करुणपति धनराज सेठ अपना राजमहल के रानी बनावल चाहता। अब बताओ, रिश्ता लेके आयल बानी, संबंध बनावल चाहता ना कि सौदा करबा? इतना अपमान मत करी सेठ जी, अनजाने में भइल गलती का ऐसा सजा मत दी। अरे हमने तो सपना देखत रही कि अपना बहन का शादी बहुत बड़ घर में कैल जाए, लेकिन इतना बड़ घर में हुई ये तब सोचले भी ना रहनी हमने। हमरा समझा में नहीं क्या होत कि शादी कैसे करब हम? बहुत आसान बा, एक जोड़ा कपड़ा में अपना बहन के विदा कर दा, बारात का खर्चा हम संभाल ले। ना, स्वागत सत्कार तो हमनी अकेल जाए, ये हक हमनी से मत छीनी। इकलौती बहन बिया हमनी कब इतना तबाह हमने, और ओकर बिया हमनी तीनों भाई बड़ा धूमधाम से कहल जाई। हाँ बहुत अच्छी बात है। पंडित जी जी, पत्रा देखा? दिन तारीख बताओ, कब शुभ मुहूर्त निकला था? अरे सेठ जी, पत्रा देखेगे ना बा? हाँ, दिन तारीख जबानी याद बा। तो बताओ, अगले हफ्ता आज ही के दिन बड़ा शुभ मुहूर्त बा। बहुत अच्छा, तब का पूछे को? बहुत बढ़िया, तही लगन में शादी हुई। तो हम लोगों के कौन एतराज? अरे कैसन बात कर रहा बानी, रहुआ के जब मन करे बारात लेके आ जाए, रहु रहे घर बा। तो ठीक बा, अपना बहन की शादी की तैयारी करा, बारात लेके हम लोग आ रहे बानी। जी नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम भैया, हम छोड़ के आते हैं। ये देखिए भैया, शुरू से लेके विदाई तक के मोटा मोटी खर्चा 15 लाख आवा था। पंद्रह लाख ज्यादा बाब, ऐसे चौकत का बाड़ा? ऐसनी जगह ब्याह करे जाता ना तो 50 लाख भी कम पड़ जाए। बहुत बड़ घर में ब्याह हो रहा बा, उन लोगों के स्वागत में कोनो कमी ना हो कहे चाहिए। किशन। हाँ भैया। बाबू, तू और हम मिलके कर्जा ले लेल जाए और आधा आधा चुका देल जाए। ठीक बा भैया, लेकिन बारात का स्वागत बढ़िया से होगी, कोनो चीज की शिकायत ना हो कहे चाहिए। हमनियों के ढेर ढेर पैसा चाहिए। वो कहे? अरे हमनियों के तो शौक सिंगार बा। अरे इतना बड़ घर से नंदोई आ रहल बाड़े, पर छावन का टुटपुंजिया होई। भाजी एकदम सही कहा तारी, ये तो मौका बा। हाँ। स्वाति के ब्याह में सारा शौक पूरा करे के। ठीक है भाई, कर लिया, तू लोग भी अपन शौक पूरा कर लिया, जवन लेवे के होई ले लिया। अरे दुद्दू बहन थोड़ी बड़ी, एक का बहन भी है। ठीक है, खुश ली, अब तैयार हो गई ली। तैयार हो गए? 4 घंटा से तुहार लिस्ट तैयार हो तो। कैसा लिस्ट तैयार हो रहा माई? देखा ना बाबा, सब दुल्हन के जेवर साड़ी ओकर लिस्ट है। अरे बाप रे, इतना साड़ी और इतना जेवर, अरे स्वाति पहनी की शोरूम खोली। अरे बबुआ, महीना में 30 दिन होखेला और साल में 365 दिन। और हम चाहता नहीं कि हमार पतो जब ये घर में आवे ना, रोज नया नया गहना, नया नया साड़ी पहने। अरे बैठ के भाभी, थोड़ा आ जा। अब भैया। हाँ। आ हो रहा बा।
अच्छा एको बात बतावा, शादी के बाद हम सबके भुला तो ना जाएबू? ना ना भाभी, कैसन बात करे दाड़ू। बचपन में हम माई के तना देखनी, लेकिन हमेशा हमारा ख्याल तू ही तो रख लो ना, कबो माई बन के तो कबो बड़ बहन बन के, हम तरह के कैसे भुला जाए। टेंट वाला का एडवांस दे दिया था? और खाना वाला से बोल दिया था बाबू। अरे प्रणाम पुरुषोत्तम, का हो कैसे आना भाई? बस अरे तोरे बाबूजी कन्हैया के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कैले रहलन, ओकर समय पूरा हो गेल बा। उ डबल होकर के 15 लाख हो गेल बा। बाबूजी, बाबूजी हमरा नाम से पैसा जमा कैले बड़न, हमरा पते नहीं के। और हमनियो के कबो ना बतो ना कि एकरे नाम से पैसा जमा। अरे तो बता के जमा करते तब ना पता चलत। उ तो चुप्पे जमा करत रहलन, और हाँ उ कहले रहलन कि पैसा सिर्फ कन्हैया के हा, काहे कि हम अपन दुन्नू बेटा माधव और किशन के पढ़ा लिखा के उनका नौकरी लगवा देनी। लेकिन कन्हैया के आज तक कुछ न कर पैनी। यही से ई पैसा पर सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के हक बा। बढ़िया सोचले रहले बाबूजी, कन्हैया खातिर ई रहल बाबू डिमांड ड्राफ्ट कन्हैया के नाम से, उ जब चाहे तब ई पैसा निकाल सकेले। भैया हमनी के बाबूजी कितना महान रानी, देखे ना हमनी के तीनों भाई के जिंदगी संवार देलन, और हमनी के सुख सुविधा खातिर ये सब इंतजाम भी कर देलन। लेकिन भैया ई पैसा पर सिर्फ हमारा अधिकार ना, आप दोनों भाई के साथे साथे स्वाति के भी अधिकार हो गए चाहिए। कैसन बात करता रे पगला, हमने बाबूजी के जीते जी कबो उनके बात का वेहलना ना कहनी, तो उनका मरला के बाद उनकर बात ना मान के पाप कहल जाओ। बाबूजी बहुत सही कहलन, ए रुपया पे सिर्फ तोहार रखा, कहे कि हमने तो नौकरी कर रहा है जा। ले ये तोहार भैया। का किशन? हाँ भैया ठीक कहता नहीं। कन्हैया तू ये कबो मत सोचिया कि पैसा खातिर हमन के कबो अफसोस होगी। हाँ। अरे भैया कैसन बात करते हो, तोहार बाबू सिर्फ तोहार। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।